अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सेल वॉल 3.2 टॉपिक। हमारा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स इज कवर्ड विद नॉन लिविंग स्टफ मटेरियल इज कॉल्ड सेल वॉल। तो हमारे पास आउटर सरफेस, कुछ सेल्स के ऊपर का जो आउटर सरफेस है वो नॉन लिविंग एक मटेरियल से कवर होता है। उस मटेरियल को, वो बहुत ही सख्त मटेरियल होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरियल, फंगल, अलगल एंड प्लांट सेल्स। ये बैक्टीरिया, फंजी और अलगी और प्लांट के सेल में ये सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। फंगल सेल वॉल है वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड काइटिन की बनी है, ये हमने पहले पढ़ा था पहले चैप्टर में। वाइल प्लांट एंड अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो और ये जो अलगल और प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, ये हम पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ मेनली सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स। जो सेल वॉल है वो तकरीबन सेल्यूलोज, पैक्टिन और दूसरे पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है। ठीक है, दीज आर मटीरियल्स ऑफ द सेल आर ऑलवेज सिंथेसाइज बाई प्रोटोप्लाज्म सीक्रेटेड। और ये जो मटीरियल हैं ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में ही बनते हैं, जैसे कि पैक्टिन, सेल्यूलोज और दूसरे पॉलीसेक्राइड्स ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं, अंदर बनते हैं और बाहर निकल कर फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जमा हो जाते हैं, जिससे वो सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये एक सेल है, 3 सेल है हमारे पास। इसमें देखें अंदर ये प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ से बनती है और बाहर आकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे हमारी सेल वॉल बनती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल वॉल इज़ डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। प्लांट की सेल वॉल 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट की गई है। ठीक है, एक है मिडिल लेमिला, एक है प्राइमरी वॉल, एक है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, हमारी जो प्लांट सेल वॉल है उनकी 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लेमिला। ठीक है, सबसे पहले मिडिल लेमिला क्या है? ये एक सेल पैलेट सिमेटिंग लेयर है, एक सख्त लेयर है सीमेंट की तरह, जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, कनेक्ट करके रखती है। कैसे, आप देखें ऊपर पिक्चर में। तो यहाँ पर ये 3 सेल्स हैं हमारे पास, 1 2 3, ये 3 सेल्स हैं हमारे पास और इनके बीच में एक लेयर जा रही है और ये लेयर इन तीनों सेल्स को आपस में जोड़ के रख रही है, कनेक्ट करके रख रही है। इस लेयर को हम मिडिल लेमिला कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मिडिल लेमिला हो गई। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म्ड सेल पैलेट सिमेटिंग लेयर बिटवीन 2 डाटर सेल्स। 2 डाटर सेल्स या 2 एक जैसे सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला एक सिमेटिंग लेयर होती है। ये 2 सेल्स के बीच में एक कॉमन लेयर होती है और ये 2 सेल्स हमेशा सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं जब ये लेयर डिसॉल्व हो जाती है। अगर हमें 2 सेल्स को अलग करना है तो पहले हम इसकी मिडिल लेमिला को हमें डिसॉल्व करना होगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 सेल आपस में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। ये है, ये हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स की बनी हुई है। ठीक है, जो मिडिल लेमिला है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी हुई है। दिस लेयर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। ये हमें हमारे पास साइटोकाइनेसिस पे बनती है। सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, तो उसमें ये लेयर हमारी बनती है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वॉल पढ़ते हैं। प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ये प्राइमरी लेयर हमारे पास, ये सेल का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, पहला प्रोडक्ट होता है। द मटीरियल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। ये भी हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में इसका मटीरियल बनता है। ठीक है, इसका मटीरियल भी हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में बनता है और मिडिल लेमिला के दोनों साइड पे ये क्या होती है, अटैच होता जाता है ये मटीरियल, उससे ये लेयर बनती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मटेरियल बन रहा है वो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर जमा होता जाएगा। ये तो बीच में मिडिल लेमिला है। ठीक है, ये और यहाँ पर ये मटेरियल जमा होता जाएगा और इससे ये हमारी लेयर बनेगी, कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी सेल वॉल हैं और बीच में हमारा मिडिल लेमिला है। उसके बाद यहाँ से आती है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो हमारे पास ये थी प्राइमरी वॉल। उसके बाद इन यंग डिवाइडिंग इनलार्जिंग सेल्स दिस लेयर रिमेन थिन एंड इलास्टिक। अगर कोई सेल यंग हैं, छोटे हैं और इनलार्जिंग बढ़ते हुए सेल हैं, उनमें ये लेयर जो होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, पतली होती है और लचकदार होती है। ठीक है, इट बिकम्स थिक एंड रिजिड एट द सेल्स मैच्योरिटी। अगर सेल मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, सेल जवान हो जाता है, तब जाके ये थिक और रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है और मोटी हो जाती है। इट कंटेन हेमीसेलुलोज, इसमें हेमीसेलुलोज होता है, ठीक है। अ पॉलीसेकेराइड दैट हैव बीटा लिंक्ड बॉन्ड्स विद क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। तो इसमें बीटा लिंक वाला मतलब एक ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें बीटा लिंक हो। बीटा लिंक हमने देखा था क्या था, 1 और 4 कार्बन के बीच में जो लिंक है, ठीक है। तो ये बीटा लिंक इसमें हो और इसको हम हेमीसेलुलोज कहते हैं, ये इसकी बनी हुई है, ठीक है। माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर, तो इनके जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में वो शामिल होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर्स में वो लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिस क्रॉस क्या है, क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे ये क्रॉस में आपस में क्रॉस हुए में लगे पड़े होते हैं और इसको हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल, ये क्या करती है, इसी की वजह से सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, सेल वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। एट द सेम सम प्लेस ऑफ द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ सेल मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस, कुछ सेल की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये डिपोजिशन नहीं हो पाती है, वहाँ पर मटेरियल जमा नहीं हो पाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस मेटा। प्लाज्मोडेस मेटा एक होल लाइक होते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और सेल के अंदर मतलब डिपोजिशन हो चुकी है लेकिन इस जगह पर डिपोजिशन नहीं हुई और ये होल बाकी बच गया है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस मेटा, ठीक है। और सिंगुलर इसमें होगा प्लाज्मोडेस्मा, एक होगा तो बोलेंगे थ्रो देयर सेलुलर कंटेंट ऑफ नाइबर कंटेंट रिमेन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, इससे क्या होता है, दो सेल्स की आपस में कनेक्शन होता है, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में मटीरियल की एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल द लेयर वॉज डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल, ये क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में होती है। अब देखें मैं आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि देखें सबसे पहले हमारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल्स की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद एक मेम्ब्रेन आती है इसके ऊपर से, उसके उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है हमारी सेकेंडरी वॉल, तो ये दोनों सेल्स के ऊपर से एक सेकेंडरी वॉल है। उसके बाद आती है हमारी प्राइमरी वॉल, ठीक है, उसके बाद ये हमारी है प्राइमरी वॉल, ठीक है, दोनों सेल्स के ऊपर से ये हमारी प्राइमरी वॉल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आती है मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला सिर्फ सेल्स के बीच में होती है, अगर यहाँ से तीसरा सेल आ गया कोई, अगर यहाँ से तीसरा सेल है तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, अगर यहाँ से भी कोई तीसरा सेल है तो ये यहाँ से मतलब सेल्स के बीच में ही आती है, ये दूसरी जगह पर नहीं आती बल्कि सेल्स के बीच में आती है। तो सबसे पहले जो बाहर सेल की जो बीच वाली लेयर है इसको हम मिडिल लेमिला कहते हैं, ठीक है, और सेल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो लेयर है वो है सेकेंडरी वॉल और उसके बाद प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल और सेल वॉल। तो हमारे पास जो सेल वॉल थी, सेकेंडरी सेल वॉल थी, वो क्या सेकेंडरी वॉल थी, वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में हमारे पास ये सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल, ये हर प्लांट सेल में नहीं होती बल्कि कुछ हार्ड टिश्यूज़ जैसे कि स्केलेटन कायमा इनमें होती है ये, ठीक है, सारे सेल्स में ये नहीं होती। द सेल बिकम डेड एट देयर मेच्योरिटी, अगर ये सेल वॉल मेच्योर हो गई तो सेल मर जाएगा, ठीक है, सेल डेड हो जाएगा। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, अगर प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट मैच्योर है उसके बाद ये सेल वॉल डेवलप होना शुरू करती है, ठीक है। इट्स वेरी थिक एंड रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये क्या है, लिग्निन की बनी हुई है, इनऑर्गेनिक आयन और वैक्सीज की बनी हुई है, इसीलिए ये बहुत ही सख्त होती है और हार्ड होती है, ठीक है। इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने में मदद देती है, जैसे कि स्केलेनकाइमा, फाइबर, स्टीरॉयड, एजाइलम, फिलोइम, ये सभी क्या करते हैं, ये इनके सेकेंडरी सेल वॉल इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, इट परफॉर्म 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन को सरंजाम देती है। एक है मैकेनिकल सपोर्ट, गिव डेफिनेट शेप टू एंड प्रोटेक्शन टू सेल, पहले तो ये फिजिकली मैकेनिकली इसको सपोर्ट करती है सेल को, जैसे कि एक सेल है उसके ऊपर ये मतलब लोहे का अगर तख्ता चढ़ाए तो ये अंदर से टूट नहीं पाएगा, अंदर कोई इसी को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो मतलब ये इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है ये डेफिनेट शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को। इट एक्ट एज ए स्केलेटन, ये स्केलेटन की तरह काम करती है, स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करती है, मतलब एक स्केलेटन एक ढांचा देती है प्लांट सेल को, ठीक है। सेकेंडली बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में और कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर एंड दस हेल्प इन, और ये क्या करती है वाटर को एब्जॉर्व करती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब पानी को पसंद करती है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। दस हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टूवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म, इसी की वजह से ये क्या करती है, पानी को प्रोटोप्लाज्म में पहुंचाने में मदद करती है। सेल वॉल एक्ट एज ए परमिएबल, सेल वॉल एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। परमिएबल क्या होता है, वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अगली वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा ये होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना। थैंक यू सो मच।